आशीष शर्मा एक समृद्ध व्यक्तित्व है, समाज सेवी के नाते हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से आशीष शर्मा का गहरा नाता है, इसलिए उनकी जीत को लेकर भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है। यह बात पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र गर्ग ने हमीरपुर में रफ्तार न्यूज संवाददाता जीवन कुमार से विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिग जीरो निकले हैं। उन्होंने कहा कि नए काम तो क्या करना, जो काम चल रहे थे इस सरकार ने उन काम को भी रोकने का काम किया है। पूर्व मंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरे साथ हैं राजेंद्र गर्ग जी, पूर्व में मंत्री हैं भाजपा सरकार में, अभी इनसे खास बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त है हमीरपुर उपचुनाव को लेकर? हमीरपुर उपचुनाव को लेकर हम पूरी तरह आश्वस्त हैं और निश्चित रूप से हम इस सीट को भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। जी सर, एक चीज देखी गई, जब निर्दलीय थे आशीष शर्मा जी तो बहुत बड़ी मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की, अब भाजपा में है तो ये चुनौती तो नहीं है कहीं से? देखिए, अब भाजपा भी इनके साथ है तो अब जो है ये चुनाव हमारे लिए और सरल हो गया है और ये सीट अब भाजपा की झोली में आएगी। भाजपा का भी सारा वोट जो है वो आशीष शर्मा को पड़ेगा और उनके साथ जो उनका कुनबा पहले का है, जो वोटर जो समर्थक उनके थे, वो भी हमारे साथ आज काम कर रहे हैं सब मिलकर। जी मुख्यमंत्री जी हमीरपुर आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं सर, कि माफिया, खनन माफिया कहा गया, कभी और तरह की बातें की गई। सर पहले तो प्रभावित तो नहीं करेंगे कि चुनाव को ये बातें? देखिए, मुख्यमंत्री जी का अब असली रूप जनता के बीच में आ चुका है। शुरू शुरू में बड़ी अच्छी अच्छी बातें, व्यवस्था परिवर्तन, ये वो तरह तरह के नारे देकर जो है लोगों को प्रभावित करने का काम उन्होंने किया और लोगों ने भी उम्मीद रखी कि शायद मुख्यमंत्री जी कुछ नया करेंगे, कुछ करेंगे और कुछ नया करेंगे। लेकिन 1.5 साल के भीतर भीतर आप भी देख रहे हैं, जनता देख रही है कि विकास के नाम पर ये मुख्यमंत्री बिग जीरो निकले हैं। कहीं भी किसी भी जिले में प्रदेश के अंदर विकास के काम जो हैं वो अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। जो पिछला काम भारतीय जनता पार्टी के समय का था वही काम आज चल रहे हैं और उन कामों को भी लटकाने का काम चल रहा है। और हमीरपुर में तो कहने को तो हमीरपुर के बोलते हैं अपने आप को, लेकिन रंग बदलते हैं। हमीरपुर में आएंगे तो हमीरपुर का हूँ, देहरा में जाएंगे तो देहरा के हैं, शिमला में चुनाव आ गया तो शिमला के हैं, जहाँ का जहाँ चुनाव आ गया वहाँ के बन जा अपने आप को बताते हैं। लेकिन मान लिया कि वो हमीरपुर के हैं, लेकिन हमीरपुर का होना ही क्या सब कुछ है? हमीरपुर के लिए क्या किया उन्होंने? और हम ये कहते हैं, हमारा ये आरोप है कि हमीरपुर का होने के बावजूद हमीरपुर में जो विकास के काम या संस्थान कार्यालय जो चल रहे थे उनको, उन्हें बढ़ोतरी तो क्या करनी, उनको भी की भी तालाबंदी कर दी। ये मुख्यमंत्री की हमीरपुर को सौगात है तो इस चीज़ को हमीरपुर की जनता देख रही है, समझ रही है। सबऑर्डिनेट कमीशन का जो कार्यालय है वो आते से ही उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, उसमें खामियां पाई गई कहीं कोई तो उसको सुधारा जाना चाहिए था, लेकिन आज प्रदेश के हजारों युवाओं का भविष्य लटका दिया गया है और बहुत सारे युवा साथी हमारे बिना इंटरव्यू के, बिना उसके ही ओवरेज हो गए, उनकी आयु सीमा भी खत्म हो गई। ये तो सत्ता चला रहे हैं, लेकिन उन युवाओं की चिंता जिसके लिए इन्होंने कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन कहा क्या था और किया क्या? जिनको नौकरियां तो देनी दूर की बात होगी, जो नौकरियों में लगे थे उनको भी बाहर किया। कोविड जैसी स्थिति में जिन बच्चे बच्चियों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों की सेवा की, उन बच्चे बच्चियों को घर बिठा दिया। और ऐसे अनेक सारे और भी संस्थानों में जो युवा काम कर रहे थे उनको भी हजारों की संख्या में घर बिठा दिया। और हमीरपुर का जो हमारा सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो कार्यालय है, इसमें जो लोगों की, बच्चों की, जो युवाओं की जो एक आशा की किरण होती थी उसको भी बंद कर दिया और वो बिना किसी इंटरव्यू के ही आज जो है बेरोजगार
ओवरेज हो गए हैं, अब उनकी उम्र भी नहीं रही है कि अब उनको कोई चांस मिलेगा। सर 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 एक चीज रहती है, भाजपा अक्सर कहती है कि गारंटियों में कुछ भी नहीं कर पाई सरकार, लेकिन सरकार कहती है कि उन्होंने सारी गारंटियां पूरी कर दी हैं। कुछ तो जैसे ओपीएस की बात की है, महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि हम तो दे रहे हैं। देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर है। आप मुख्यमंत्री, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप जो कहेंगे वो छपेगा, लेकिन पढ़ने वाले जो छपा होता है अखबार में, जो पाठक होता है, जो पढ़ता है अखबार को, वो सारी चीज़ों का विश्लेषण करता है। 1500 देने की बात कही थी, 18 साल से लेकर 60 साल की आयु की जितनी भी महिलाएं हैं, 18 साल की युवतियों से लेकर 60 साल की महिलाओं तक उन्होंने 1500 रुपये सबको देने का कहा था। उनके वीडियो वायरल आज भी हो रहे हैं, जो उन्होंने कहा था चुनावों से पहले। लेकिन स्थिति क्या है, जब हमारी पार्टी ने, विपक्षी पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इनकी नाक में दम किया कि आपने गारंटी दी थी, तो फिर इनको, और चुनाव जब आ गए लोकसभा के, तो इन्होंने आनंद फानंद में घोषणा की और उसमें भी तरह तरह के बैरियर लगा दिए। पहले तो कहा था सबको देंगे, एक होगी तो 1500, दो होगी तो 3000, चार होगी तो 6000, इस प्रकार इनके अपने वीडियोस हैं। लेकिन अब वो बातें कहाँ गई, अब बता दिया किसी के ससुर को भी पेंशन मिलती है, उसको भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे तरह तरह के बैरियर लगाकर जो है, और उसमें चुनिंदा कुछ महिलाओं को पेंशन देकर जो है, उन्होंने अपनी इति सीरी समझी। लेकिन सारे प्रदेश की महिलाएं जो इससे गुस्साई हैं, गुस्सा हुई हैं, उसका गुस्से का परिणाम जो है इनको भुगतना पड़ेगा। जी राजेंद्र सर, आशीष जी प्रत्याशी हैं भाजपा के, और एक चर्चा अक्सर फैली है, वो कहते हैं कि इस्तीफा आखिर क्यों देना पड़ा इनको। देखिए, इस्तीफे की जो वजह बताई गई है वो ये है कि पहले इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, रूलिंग पार्टी को समर्थन दिया था, और रूलिंग पार्टी में जुड़ने के साथ जो है, समर्थन देने के बाद जब इनकी बातें नहीं सुनी गई, इनके हलके की बातें नहीं सुनी गई, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के बारे में आशीष ने विधानसभा में कई बार कहा, मुख्यमंत्री से कई बार मिले, उसके बावजूद भी उनकी बात को दरकिनार किया गया। यहाँ के विकास के बारे, यहाँ के कॉलेजों को बंद कर दिया गया जो पिछली सरकार ने खोले थे, उनकी अधिसूचना रद्द कर दी। ऐसे अनेक सारे कार्यालय जो हमीरपुर के भी थे और अन्य जगहों के भी थे, जो इस सरकार ने, सुक्खू सरकार ने आते से ही बंद कर दिया, उनको खुलवाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए बार बार मुख्यमंत्री से लोग मिलते रहे। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने इनकी बात नहीं सुनी तो, और इनको जलालत ही सहनी पड़ी, तो इन्होंने भी निर्णय लिया। पहले इन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत दिया, और उससे फिर ये कदम आगे से आगे बढ़ते गए, और फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इन्होंने ये कहा कि भाई, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर आएंगे और पूरी ताकत के साथ अपना विरोध जो है इस सरकार के खिलाफ दर्ज कराएंगे और इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। जी, मेरा आखिरी प्रश्न सर, कि मुख्यमंत्री की ये राजनीति जो परिप्रेक्ष्य, अगर वो कहते हैं कि अगर जीत भी जाते हैं निर्दलीय तो विपक्ष में ही बैठेंगे, फिर कहाँ उनके काम होने वाले, ये किस तरह की राजनीति है? मुख्यमंत्री जी के पास इसके अलावा कहने को और कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस के विधायक पहले 40 थे जी, फिर 34 हुए, 3 निर्दलीय भी गए जिनका समर्थन था, 9 लोग इनसे छिटक गए ना, चुनाव हुआ। अगर इनको ऐसा अपनी सरकार के बारे में इतना विश्वास होता तो इन 3 निर्दलियों के चुनाव साथ में कराते ना, क्यों प्रदेश के ऊपर बोझ डाला। लेकिन इनको खतरा था, इसलिए इन्होंने जो है ये चुनाव भी रुक रुक कर कराए। विधानसभा अध्यक्ष जी को इनका इस्तीफा पहले स्वीकार करना चाहिए था जी, बिल्कुल। और प्रदेश की जनता इस बोझ से बचती, लोकसभा के साथ जो उपचुनाव 6 हुए, 3 ये भी साथ में हो जाने चाहिए थे, ये क्यों रोके गए। हमारा प्रश्न ये है, हमारा आरोप ये है, और हमारा ये मुख्यमंत्री से कहना है कि क्यों नहीं आपने इस्तीफे पहले स्वीकार किए, प्रदेश की जनता को इस उपचुनाव में क्यों धकेला।
इसके जिम्मेवार सुक्खू सरकार है। राजेंद्र जी एक चीज जाते जाते आप बताएं कि कहा ये जा रहा है कि जब 13 जुलाई को नतीजे आएंगे, भाजपा अक्सर इस बात को कह रही है कि जब नतीजे आएंगे तो सरकार का रहना कोई ज्यादा जरूरी ही नहीं है, सरकार गिर भी सकती है। सर कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए राजनीति है, इसमें कुछ भी संभव है। जब 40 से 34 हो सकते हैं तो भाजपा के अभी 27 हैं, 27 के साथ 30 हो जाएंगे और 30 के बाद साथ 35 भी हो सकते हैं। जी धन्यवाद जी आपका। आपने सुना राजेंद्र जी पूर्व में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जयराम ठाकुर की सरकार, इन्होंने कहा कि एकजुट भाजपा इस उपचुनाव को लड़ रही है और पूरा जो संगठन है वो मजबूती से काम कर रहा है। आशीष जो यहाँ से प्रत्याशी हैं भाजपा के, एक बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी लीड के साथ जीतेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जीवन कुमार, रफ्तार न्यूज़, हमीरपुर।